दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जियो के सिम में जब हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो गाइस वो कॉल एंडेड बताने लग जाता है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं ये ज़्यादातर क्यों होता है और इसकी मेथड क्या क्या है और इसके लिए आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों होता है कि आपको अपने बैलेंस चेक कर लेना होगा कि आपके मोबाइल में कितना बैलेंस है। अगर दोस्तों कॉल आपका बैलेंस कम है, कॉल के लायक नहीं है, तो दोस्तों या तो वो कॉल कटेगी ऑटोमेटिक या कॉल एंडेड दिखाएगा। दूसरा ये कि आपके जो नेटवर्क हैं वो प्रॉपरली आने चाहिए। अगर दोस्तों कम आएंगे तो ये भी दिक्कत आ सकती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके नेटवर्क जो है वो प्रॉपर आने चाहिए। और दोस्तों तीसरा ये है कि आपको जो अपना नंबर है, जो आप नंबर पर कॉल मिला रहे हैं, वो उस नंबर पर आपको प्रॉपरली कंफर्म होना चाहिए कि आप जो नंबर मिला रहे हैं वो ठीक भी है या गलत है। अगर दोस्तों गलत है तो उसको सही कर लीजिए, आप एक दफ़े चेक कर लीजिए आराम से बैठ के कि हमारा इन तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आप इस वीडियो को फिर वहीं से ही ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि इन तीनों ऑप्शनों में से 90% तक इन तीनों ऑप्शनों में से ही लोगों की गलती रहती है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, अगर अगर आपका ये वर्क नहीं कर रहा, जब भी आपकी कॉल एंडेड बताता है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसका सलूशन बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको तीन मेथड बता दिया, आपको तीन मेथड को पहले फॉलो करना होगा, उसके बाद का ये मेथड है। तो अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर कोने पर एक आइकन दिखेगा तो आप पर उसको क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी सेटिंग्स खुल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पर आपको जाना होगा दोस्तों। ये हर किसी के मोबाइल में एक जैसी रहती है, थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं लेकिन जो सेटिंग्स है वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कॉल, तो कॉल का ऑप्शन आपको मिलेगा अपने डिवाइस में, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे नीचे देखना है कॉल बैरिंग, तो कॉल बैरिंग में जाना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपकी कॉल रीडिंग होगी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन दोस्तों ये रहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आउटगोइंग कॉल रहता है, इनकमिंग कॉल रहता है और डिसेबल कॉल रहता है और चेंज पासवर्ड रहता है। तो यहाँ पर सबसे वाले ऊपर वाले ऑप्शन पर हमें ध्यान करना है कि ये जो हमारा सिस्टम है ये ऑफ़ रहना चाहिए। अगर दोस्तों ये ऑफ़ नहीं है और यहाँ पर आउटगोइंग कॉल पर लग रहा है तो मान लीजिए आपकी कॉल नहीं लग पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहले पासवर्ड डालना होता है जब ये आपकी लगती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो आपके लगी हुई है तो उसको ऑफ़ कर लीजिएगा। तो यही एक दोस्तों इसका मेथड है, अगर आपका लग रहा होगा तो आपकी कॉल नहीं लग पाएगी, तो आप इसको सही कर लीजिएगा तो आपकी कॉल लग जाएगी। और अपने कस्टमर केयर से भी बात करके देख लीजिएगा, अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन बताएं तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। कस्टमर केयर का नंबर 198 आप मिला सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, टोल फ्री नंबर होता है, किसी बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए। तो गाइस यही इसका सोल्यूशन है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए गाइस आपका बहुत बहुत शुक्रिया।